एवरीवन, इंटीरियर आइसोस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। आज हम एस्टेक में हैं। सो अगर आप आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग या इंटीरियर इंडस्ट्री से है, या आपको खुद के घर का या ऑफिस का रेनोवेशन करना है, तो आई थिंक दिस इज़ वन एग्जीबिशन विच यू शुडंट मिस। इस बार ये चार दिन के लिए है, 18, 19, 20, 21, और हम शूट कर रहे हैं ऑन द फर्स्ट डे, 18 है आज। सो हम चाहते हैं कि ये वीडियो हम शूट करके, एडिट करके अपलोड करें कल तक, ताकि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप विजिट करना चाहे फिर भी आपके पास दो दिन रहेंगे, वीकेंड रहेगा, आप डेफिनेटली आ सकते हैं। और यस, लेट्स गो इनसाइड। आज हमारे साथ स्वप्निल है, शुभम इज बिहाइंड द कैमरा। वील स्टार्ट विद दिस फर्स्ट डिस्प्ले, फैंस आर्ट का है। यहाँ पर डिजाइनर फैंस में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द कलेक्शन। रेजिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइन में ये देखा है मैंने कि डाइनिंग एरिया होता है उसके ऊपर लोगों को ये डिलेमा होता है कि डाइनिंग के ऊपर हम चैंडलियर लगाएंगे या फैन लगाएंगे, क्योंकि जगह इतनी कॉम्पैक्ट होती है कि कई बार आपको दोनों लगाने के लिए जगह ही नहीं होती। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें से फ़ैन चूज़ किया जाता है। बट आई थिंक आपके घर में ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम है कि जगह थोड़ी छोटी है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक ये पूरा जो कलेक्शन है इसमें काफ़ी सारे ऐसे फैंस भी हैं जिसके साथ लाइट इंटीग्रेटेड है। तो उसमें अगर आपको कुछ क्रिस्टल वाला चाहिए या आपको थोड़ा सा मॉडर्न फिटिंग चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ एन एक्सेलेंट ऑल्टरनेटिव। आपको दोनों मिलकर लगाना है तो डेफिनेटली आप ये लगा सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर लाइट, हाँ, ऑन ऑफ, ओके। अभी ये फुल स्पीड है ना? ओके, 6000 ओके। रेंज क्या है इनके? ओके, 0 है, ये 49,900 है, वो 80,000 ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स। सो रिसेंटली हमने वोक्स इन फ्रंट ऑफ सीलिंग पैनल पर वीडियो बनाया था, और सो यहाँ पर वोक्स का डिस्प्ले भी है, एंड वो काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं उन्होंने। सो विल गो इनसाइड, देखते हैं नए कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ओके, हाय, गुड, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे? सो यहाँ पर हमारे साथ कोई तो एक चाहिए जो एक्सप्लेन करेगा सारे नए प्रोडक्ट्स। ओके, कौन करेगा? मैं करूँगा। आप करेंगे? सो यहाँ पर वोक्स के इन फ्रंट ऑफ पैनल्स का डिस्प्ले किया हुआ है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर एक कार्ड ऐड कर देंगे, उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। और अभी हम देखेंगे जो सारे नए प्रोडक्ट्स वोक्स ने लॉन्च किए। हमारे साथ राहुल जी है, सो लेट्स स्टार्ट। यस, थैंक यू। सो अभी जो वोक्स ने दो मेजर प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं एक्सटर्नल फसाड सिस्टम्स के लिए, तो हमने जो फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया वो मैक्स 3, जो कि एक्सटर्नल फसाड सिस्टम के लिए है। ओके, तो बेसिकली इसमें कैसा है ना कि सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्शन है जो हमारा सॉफ्टवेयर सीलिंग सिस्टम है, ऑन द सेम प्रोडक्शन लाइन वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट। तो बेसिकली दिस इज़ अ यूवी प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट, यूवी प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट है ये, आपका एक्सटर्नल फसाड के लिए प्रोडक्ट है। तो आपका जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन है वहाँ पे आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेमिंग। ओके, तो जैसे सॉफ्टफिट के लिए हमने ऊपर फ्रेमिंग किया था जीआई का, वैसे ही सेम फ्रेमिंग वॉल पे होगा और उसके ऊपर ये लगेगा। सो वॉल के और इसके बीच में गैप है, एग्जैक्टली गैप रहेगा। लेकिन जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के लिए जीआई फ्रेमिंग यूज किया था, हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेमिंग यूज कर रहे हैं एज ए एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। okay. ये 100% यूवी प्रोटेक्टेड है, 100% स्क्रैच रेजिस्टेंस है, वाटरप्रूफ मटेरियल है। okay. आप इसको दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप इसको वर्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, या आप इसको आप। So I think that's really interesting. आपका elevation जिस भी तरीके से आपको डिजाइन करना है, आपको कहीं पे कुछ horizontality add करनी है, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें एज ऑफ ना हम लोगों ने 6 कलर वेरिएशंस लॉन्च किए हैं, जैसे हनी ओक हो गया, बीच हो गया, ऐश हो गया, विंचेस्टर हो गया, इसमें गोल्डन ओक भी आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अभी इसमें 6 कलर लॉन्च किए हुए हैं। और यही प्रोडक्ट अभी आपने सीलिंग में लगाया है? नहीं, अभी हमने सीलिंग में है, exactly. तो यहाँ पे इंफ्राटॉप है, फिर हमने इसको मैचिंग किया, और यहाँ पे हमने जैसे
यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरनल एंगल भी दिया हुआ है ताकि ये कंटिन्यूएशन में, जैसे आपने यहाँ से सॉफिट लाया फिर यहाँ से हमने मैच लिया, तो आपको प्रोबेबली किसी आउटर पोर्च या ऐसे किसी एग्जैक्टली बालकनी आउटर पोर्च जहाँ पे आपको वॉल टू सीलिंग एप्लीकेशन सीलिंग लगाना है तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए उसके। और इसका कॉस्टिंग पर स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली कितना? अप्रोक्सीमेटली इंस्टॉल कॉस्ट इसका जाता है आज के डेट में 400 से 450 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर आपको दो चीजें, आपको मटेरियल सप्लाई चाहिए तो मटेरियल सप्लाई मिलेगा, अगर आपको मटेरियल सप्लाई प्लस अप्लाई चाहिए तो हमारी टीम आएगी प्रॉपर फसाद के हिसाब से उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन के हिसाब से फ्रेमिंग करेगी और बाद में ये प्रोडक्ट इंटरलॉकिंग के हिसाब से लगेगा। इसका केयर और मेंटेनेंस कुछ? केयर और मेंटेनेंस के हिसाब से कुछ नहीं है, अभी ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट है तो आपको इसको सिर्फ पानी से वॉश करना है। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच वी डू हैव, ओके सो नेक्स्ट हम लोग वो ही देख लेते हैं। नाउ दिस, ये जो प्रोडक्ट है हमने ये हमारा जो कैरेडोको पैनल था वॉल एप्लीकेशन वाला उसके ही प्रोडक्शन लाइन के हिसाब से इसको हमने लॉन्च किया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट हमारा अगेन एक्सटर्नल फसाड़ सिस्टम के लिए ही है। अच्छा, तो दिस इज कैरा फ्रंट। ओके, सो अगेन ये प्रोडक्ट का बेसिकली पैनल्स है। हाँ, इस तरह से प्रोडक्ट आएगा। हाँ, इस शेप में ये बेसिकली इंटरलॉकिंग है। ओके, एक दूसरे में इंटरलॉकिंग होता है और इंटरलॉकिंग के बाद इस तरह से आपको सीमलेस विदाउट एनी काइंड ऑफ जॉइंट पूरा सीमलेस मिलेगा। वर्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल, बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ना उसमें और इसमें डिफरेंस है जैसे कि उसका जो थिकनेस है, जैसे 1.3 mm का थिकनेस है शीट थिकनेस, इसका टोटल थिकनेस ऑफ शीट है 9 mm का। ओके, इसका जो बेस मटेरियल है वो फोम बेस है, उसके ऊपर ये जो एक्सटर्नल लेयर है दिस इज बेसिकली फ्रॉम इजिप्ट, दिस इज वेरी हाई प्रोफाइल लेंस जो भी ये ऊपर का लेयर है। इसमें आपको बेसिकली एडवांटेज क्या है कि वुड ग्रेन्स का इफेक्ट आता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज क्या है इसमें कि आपको नेचुरल एमिशन ऑफ वुड रिफ्लेक्शंस, क्योंकि जो भी सारे हमारे कलर्स है वो सारे वुड ग्रेन के हिसाब से ही। और इसका कॉस्टिंग और उसका कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस है? इसके और इसके कॉस्टिंग में एज इट्स अ वेरी प्रीमियम फसाड़ सिस्टम, तो द कॉस्टिंग इफ आई से इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन लैंड्स इन द ब्रैकेट ऑफ 800 रुपीज टू 850 रुपीज। और इसका जो एंड भी है, एंड ट्रिम भी है, वो उसके कंपैरिजन में थिक है ना, थिक है, वो थोड़ा पतला था। इसका थिक है, इसकी सारी एक्सेसरीज काफी थिक है। द रीजन इज ओनली दैट कि मटेरियल भी काफी थिक है, तो मटेरियल 9 mm थिक होने की वजह से जो मेरी ट्रिम्स है सारी वो उसी हिसाब से थिक आने वाली है। तो इसमें भी ऊपर और नीचे आपका जो, हाँ, इसमें भी आपको वेंटिलेशन ट्रिम मिलेगा ऊपर नीचे लगाने के हिसाब से, बॉटम ट्रिम के हिसाब से एंगल ट्रिम मिलेगा, इंटरनल एंगल मिलेगा, एक्सटर्नल एंगल मिलेगा, तो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है जो कि हमारे मैक्सरी में भी अवेलेबल है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वर्टिकल एप्लीकेशन किया हुआ है, सो यहाँ पे आपको कहीं पे भी वो ट्रिम का इशू नहीं आएगा। राइट राइट, यहाँ पे आपको सिर्फ वर्टिकली एप्लीकेशन करने के बाद सिर्फ आपको नीचे से अगर बॉटम ट्रिम लगाना है तो बॉटम ट्रिम लगा सकते हैं। एंड दीज आर द सैंपल्स बेसिकली, ये एक्सटर्नल वाला है ना? हाँ, ये एक्सटर्नल वाला जहाँ पे आप इस तरह से आप कर सकते हो, ये आपके सैंपल्स है। हाँ, आप देख सकते हो पूरा 9 mm थिक, वो जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ यू सी जस्ट ऑफ क्वालिटी। दिस इज कैरा फ्रंट और ये जो हमने देखा वो कैरा डेको था, मैक्स 3, वो मैक्स 3 था, राइट? मैक्स 3। हाँ, और कैरा डेको मतलब? कैरा डेको इज अ वॉल पैनल, ये वाला जो सामने रखा है। ओके, सिंगल पीसेस। ओके, ये कैरा डेको है। ओके, तो ये भी बेसिकली क्या है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे टंग एंड ग्रू हुआ है, तो बेसिकली ये आप अगर इसको रिमूव करोगे तो ये एक पैनल है। ओके, सो ये आप वॉल पे लगा सकते हैं? ये आप, ये वॉल एप्लीकेशन है, आप इसको वॉल पे लगा सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वॉल के ऊपर? इसका एप्लीकेशन वॉल के ऊपर सीधा आपको जो है ना एडहेसिव से इसको स्टिक करना है इस तरह से। कोई भी आपका वॉल है, आपका कंक्रीट वॉल है, आपका जिप्सम वॉल है, आपका सिरेमिक वॉल है, वुड वॉल है, कोई भी वॉल रहे, आपको इसको सीधा ग्लू से स्टिक कर देना है। मतलब जैसे हमने वहाँ पे देखा कि वॉल में और मटेरियल में थोड़ी गैप है, तो उसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको गैप की कोई जगह भी अंदर आपकी कोई लूज नहीं होगी, आप डायरेक्टली इसको पेस्ट लगा सकते हैं लाइक वॉल पेपर, बट ये थोड़ा थिक है डेफिनेटली। और इसके पैनल साइजेस क्या है? अभी इसको कट करके रखा है कि नहीं? इसमें दो ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें 4.5 feet का आता है हाइट में और एक 9 feet का आता है, और विड्थ में इसका 295 mm, ये दो ऑप्शंस इसमें आते हैं। 4.5 feet, ये एक क्रस्टिक वाला है। हाँ, ये अपना आर्ट वाला है। अच्छा, जो लेडी फेस वाला था ना? हाँ हाँ हाँ, वो वाला, तो उसका ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आर्ट वाला। इसके बीच में एक प्रिंट है, उसका हम एक इमेज डाल देंगे यहाँ पर। और अदर देन दिस इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? अदर देन दिस इसमें फिर आपके वुड फिनिश आते हैं, स्टोन फिनिश है, इसमें आपके नेचुरल एमिशन के हिसाब से
बायो वाइट भी आता है हमारे पास, जो कि हाइजीन के हिसाब से काफ़ी रिकमेंडेड है। हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से एज ऑफ नाउ वीडियो आर्ट वन, बट फ्यू ऑफ द मॉडल्स आर अवेलेबल ऑन देयर, जो आप एज ए ग्राफिक के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीरियर में ये लीकेज वगैरह होगा, कहीं पे सीपेज होगा, तो उस हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, बिकॉज इट्स अ वाटरप्रूफ मटेरियल। इसका जो ये लेयर है, बॉटम लेयर, ये फोम बेस है, ठीक है, और जो ऊपर का लेयर है ये वाला डेकोरेटिव लेयर, ये बेसिकली डेकोरेटिव लेयर जो है पॉलीमर बेस है। इसकी वजह से क्या है, दोनों साइड से ये वाटरप्रूफ मटेरियल है, तो इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से पानी का सीपेज अंदर नहीं जाएगा। बहुत बार रेसिडेंसेस में ऐसा होता है कि क्या 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 करें, बेसिकली बाथरूम्स के लिए, आपके टॉयलेट के लिए, आपके बालकनीज के लिए जहाँ पे पानी का इशू है, या आपके वहाँ पे जहाँ पे आपको थोड़ा सा सीपेज का प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे आप ये प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका सीपेज वॉल है उस पर भी आप जो ग्लू हम लोग प्रोवाइड करेंगे उससे अप्लाई करते तो वो कभी निकलता नहीं है। और इसका कॉस्टिंग कितना है? ये आपका मतलब मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड ऑल इज इन द ब्रैकेट ऑफ 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट? पर स्क्वायर फीट, यस। ओके, और इसमें एंड में क्या आता है? एंड में आपको यहाँ पे इसमें जो है फिनिशिंग ट्रिम्स आती है, जैसे इसमें भी टॉप ट्रिम आती है, बॉटम ट्रिम आती है, इंटरनल एंगल आता है, एक्सटर्नल एंगल आता है, और फिनिशिंग ट्रिम्स भी आती है। तो इसमें चार तरह की ट्रिम्स आती है जो कि आपकी पूरी फिनिश को कवर कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको फिनिश भी कर सकते हैं, कट करके एंड में ऐसे भी कट कर सकते हैं, 45 डिग्री में कट कर सकते हैं आप इंटरनल एंगल के हिसाब से, वो भी ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन आपके टेस्ट के हिसाब से। नाउ वी विल सी द स्कर्टिंग, यस। सो दिस इज आवर स्कर्टिंग ऑप्शंस व्हिच वी डू हैव। सो नाउ इन अ स्कर्टिंग वी डू आवर बेस्ट सॉल्यूशन व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग द वायर मैनेजर्स। ओके, सो दिस व्हाट एवर द पोर्शंस आर अवेलेबल बिहाइंड द स्कर्टिंग दोज आर फॉर वायर मैनेजर्स। सो इसमें से इसके पीछे अगर आप देखोगे यहाँ पर एक गैप है थ्रू एंड थ्रू, सो ये इस तरीके की गैप है थ्रू एंड थ्रू, और इसमें अलग अलग डिजाइन, तो बेसिकली आपके जो सारे वायर्स होंगे वो इसमें से चले जाएंगे। एग्जैक्टली, तो अगर आपको ऑलरेडी शेयर वॉल्स है जहाँ पर आप जरी मार के वायर्स अंदर नहीं डाल सकते, या प्रोबेबली आप थोड़ा सा एक्सटेंशन या रिनोवेशन, पार्ट रिनोवेशन वाला काम कर रहे हैं और आपको ऑब्वियसली जरी मार के नहीं कर सकते, केसिंग केपिंग नहीं करना है, या डस्ट वाला काम आपको नहीं करना है, तो प्रोबेबली आप ये यूज करके इसमें से आप सारे केबल्स। और एडवांटेज भी है कि वंस अगर आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो आगे जाके भी आपको वहाँ पे कुछ तो भी तोड़ फोड़ नहीं करना है। आपको ये स्कर्टिंग आधे से उसे स्टिक होता है, आप इसको निकाल सकते हो, फिर आपका वायर मैनेजर में जो भी आपको एडिशनल वायरिंग करनी है या निकालनी है वो निकाल के फिर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो ऑन द सेम प्लेस। अच्छा, तो दैट इज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप निकाल के फिर से लगा सकते हो। एग्जैक्टली, तो बड़ा एडवांटेज है। तो इसमें हमारे पास व्हाइट कलर आता है और ग्रे कलर आता है, तो ग्रे में हमारे पास लाइट से डार्कर शेड्स में आता है। ओके, और इसकी लेंथ कितनी होती है? ये आपका आता है 10 फुट के, इसमें 10 फुट की लेंथ है, और इसके हाइट जो जैसे इसका 60 है, 80 है, 100 है, इस हिसाब से ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये भी ऐसा मटेरियल क्योंकि फ्लोर लेवल पे आता है तो आपका डेली क्लीनिंग, पानी वगैरह का कोई इशू नहीं है, इम्पैक्ट फुल मटेरियल है, जैसे बच्चे खेलते हैं, लात मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, बच्चों ने तोड़ने की कोशिश की तो भी नहीं कुछ नहीं होने वाला। एक लास्ट वाला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रॉकफोन करके वह जाते सर, जस्ट आप रॉकफोन बताएंगे मैम को। सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, एंड इट कम्स विद ग्रिड सीलिंग में, ग्रिड सीलिंग, दिस इज कॉल्ड ग्रिड सीलिंग, एंड द ग्रिड्स आल्सो यू कैन सी हियर इज ब्यूटीफुल, एंड एज यू कैन सी हियर इट हैज गॉट नो पिन होल्स और नो फिशेस, गॉट अ वेरी स्मूथ सरफेस, सो दैट लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल। दिस प्रोडक्ट इज रॉकफोन, ओके, एंड बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग रॉकफोन इन इंडिया, and Rockfon is part of the Rockwool group. Okay. And Rockwool group is a Danish company and they are in existence for the last more than 60 years. Okay. And Rockfon is a finished product from them. Achha. And Rockfon can be used for offices, theaters, home theaters, hotels, okay, hospitals, huh, and any kind of places where you need acoustics, good acoustics. Oh, and it's an acoustic Rock, yes, it's an acoustic company, acoustic product, and Rockfon has got three features which others don't have. Okay. One is sound absorption, which is measured by noise reduction coefficient, which is noise reduction coefficient, which is we have got 0.85 NRC and above. Okay. So it's one of the highest in the business. Okay. Reaction to fire, we have A1 fire classification. Oh, nobody else has got this. Nobody else has got this. And third point is humidity and sag resistance. Okay. Ours is relative humidity of 100%, so which means it will not absorb moisture at all. So it will not sag. It will not show the yellow and black patches which you have in other products. These so are three features. Wise, maintenance wise, and also you not have the fungi which will actually bacteria which will move around this.
So that way is a very hygienic product. We've done lots of projects in India with Rockfon. Overall, it's a wonderful product that we are bringing to Indian market, where people can feel the sound being reduced. Right. You know, and definitely a product which doesn't need maintenance. और इसके लिए अंदर आपको normal grid ceiling के लिए जैसे framework करते हैं और उसके ऊपर ये लगाते हैं वैसे ही लगेगा. Correct, correct. ऐसे ही लगाने का. Okay. And so we have different sizes. हाँ. 60x60 भी है, ऐसे 120x60 भी है. And other unique sizes are also available. About 32 colors are also available. Oh, that's. So it's really a wonderful solution that we can give to the customer. तो आप जगह के हिसाब से decide कर सकते हैं कि आपको कौन से size का exactly size लगाना है ना. Obviously exactly. Color also you have lot of color also we have 32 colors we have. White is the most popular one. Home theaters they use black or theaters they use black. So particularly residential purpose के लिए home theater वगैरह there you can use. They can use it. Exactly. Otherwise offices के लिए obviously conference areas. Offices, conference areas, managers cabins or even common areas because now everybody is working out of a common room. So then what happens is can absorb the sound so you're not disturbed actually. Right. Or इसका कॉस्टिंग कितना है? So costing it starts at very reasonable, about 170 rupees a square feet. That's supply and installed. Although it's a very superior product in terms of technically, in terms of price, it's very reasonably priced. Thank you so much. Thank you, ma'am. अगर किसी को करना है, तो we'll give contact number. Please. In the description. तो आपको कोई भी प्रोडक्ट देखना है, वी सॉ स्कर्टिंग प्रोडक्ट्स आल्सो, वी सॉ कैराफ्रंट और सब कुछ हमने देख लिया. तो कुछ भी आपको अगर देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं. एंड इफ एट ऑल इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है तो आई थिंक दिस इज नेसेसरी, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा. क्योंकि अभी राहुल जी ने एक्सप्लेन किया बट वो ऑब्वियसली बिकॉज वी वॉन्ट टू कवर एवरीथिंग और सब कुछ दिखाना चाहते हैं सो दैट पीपल ऑल्सो इफ दे वॉन्ट टू विजिट दे कैन विजिट इन द प्रोबेबली ड्यूरिंग द वीकेंड. तो दिस वॉज क्वाइट क्विक, थोड़ा क्रिस्प रखने की कोशिश की है. पर अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विल डेफिनेटली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स. थैंक यू. बाय. इट्स ऑलरेडी 5:30 और यहाँ का टाइम 6 बजे तक ही है. सो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हमने अभी तक देखी नहीं है, सो विल फोकस ऑन द थिंग्स जो हमने अभी तक नहीं देखे, प्रोबेबली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है उस पर फोकस करेंगे. सबसे पहले हम अभी क्या देखेंगे, हम वीनियर्स में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है वो हम देखेंगे. हाय, इतनी आर्टिफिशियल लेदर ना, तो लेदर के लुक सारे दिए. अच्छा, लेदर में सारे ऑप्शन हैं. हाँ, दिस नॉट गुड. सारे सारे लेदर के ऑप्शन रहेंगे. ओके. अच्छा, माइका का हमने बेस बनाया है तो आपको इजीली फेविकोल मरी से चिपक जाएगा. हमारा प्लस पॉइंट है कि 90 डिग्री बेंड होता है. देखिए, सो एक लैमिनेट है जो 90 डिग्री में बेंड होता है. दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट. तो आपको हार्श एजेस वाला कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज वो हमने डायरेक्ट टेबल बनाया. देखिए, अच्छा, लाइव डिस्प्ले के लिए. ओ नाइस. तो ये पूरा आपने यहाँ पे वन पीस आप बैंड कर सकते हो. दैट्स वंडरफुल. अब ये इसका भी सूट करवाइए. देखो, ये हमने लिया है ना स्टोर का. यहाँ से ऐसे भी बैंड किया है, ऐसे भी बैंड किया है, ऐसे भी बैंड किया है. ये हमारा 8x4 का रेडी शीट है. इसका तो कॉस्टिंग और इसका कॉस्टिंग क्या है? 4500 पर शीट. अच्छा, 4500 पर शीट फॉर अ लैमिनेट जो आप 90 डिग्री में बैंड कर सकते हो. तो कोई हार्श एजेस नहीं है. नहीं, और इसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल. 45 शीट से इसमें. 45 शीट. दिस इज वन प्रोडक्ट. ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, मेटल वीनियर. ओके. ये हमने कोटिंग किया. दिस इज एक्चुअल लिक्विड मेटल का. एक्चुअल लिक्विड मेटल है ये. ओके. जैसे हम आयरन का मेटल करेंगे तो आयरन में मैग्नेट भी स्टिक होगा. तो इसमें सरफेस कस्टमर का कोई भी हो रहा है तो हम लोग ऊपर का कोटिंग करते हैं. मतलब विनियर पे भी कोटिंग हो सकता है. एनी सरफेस अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा तो भी कोटिंग हो सकता है. विनियर हमारे पास अवेलेबल है. हाँ. मेटल के विनियर हम लोग रेडी रखते हैं, पर अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कोई तो आप कस्टमाइज करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं. ओके. पर ये कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट होगा, इस तरह का कोटिंग हमको करके चाहिए तो उनको बेस हमको बना के देना है तो हम लोग वो भी कोटिंग कर देंगे उनको. दिस इज वेरी डिफरेंट मटेरियल. सरफेस कोई भी होने दो, MDF होने दो, प्लाईवुड होने दो, एनी सरफेस कोटिंग हम लोग मेटल का करते हैं. कोटिंग वगैरह तो आजकल बहुत इन है. बार काउंटर सब जगह अच्छा लगता है, डिफरेंट लगता है. दिस इज अवर डिफरेंट टाइप ऑफ विनियर. जस्ट लुक देयर. हां, वी विल सी दैट. थर्ड प्रोडक्ट हमारा ये है, वुड विनियर. ओके. ये और शॉप इन एट मलाड. हाँ, ओके. मलाड में हमारे पास रेगुलर से लेके सारे विनियर. यहाँ हमने कुछ एक्सोटिक ही लगे, कुछ डिफरेंट विनियर ही लगाए. और दिस ऑल आर द प्रोडक्ट, मैंने आपको फुल गारंटेड विनियर है. सो आपका फेड नहीं होने, कुछ भी नहीं होना है. और इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फिनिशेस, फिनिशिंग इसमें कस्टमर को करना है. हमने करके रखे हैं यहाँ ऑप्शन दिखाने का. आफ्टर फिनिश ये प्रोडक्ट लगने वाला है, बाकी कस्टमर को करना है. और इसका रेंज क्या होगा, जो भी एक्सोटिक आपके पास? स्टार्ट फ्रॉम 75 ऑनवर्ड्स अप टू 9. विनियर में कोई 200-300 रुपीस तक पकड़ के जाओ. वो तो बेसिक है. तो बेसिक है. हाँ, आप अगर चॉइस करने जाओगे तो आपको जो अच्छा लगेगा वो अप्रॉक्सिमेटली 200 के रेंज में होगा, उससे कम वाला ऐसा जरूरी. विनियर कस्टमर को जो पसंद 75 वाला भी अच्छा लगता है. विनियर इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, तो सारी चीज अच्छी होती है, लेकिन कस्टमर को पसंद होनी चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच.
हमारी जो स्पेशल फिनिशिंग मटेरियल्स की सीरीज थी उसमें ये मटेरियल दिखाया था, बट यहाँ पर जितने ऑप्शंस हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो तब नहीं देखी थी वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं अलग अलग पैटर्न्स में। और सो यस, आप एस्टेक में इसके लिए आपको आना चाहिए। फ्लोर में भी लगाया, नीचे फ्लोर में लगा सकते हैं पर पानी से ख़राब नहीं होगा, ग्राउंड करना पड़ेगा। पानी से खराब होने के लिए आपको कोटिंग कौन से उसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटरप्रूफ कोटिंग करा दो तो पानी से खराब नहीं होगा। ओके, सो आप किसी डेक एरिया में वगैरह लगाओगे? डेक एरिया हम सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटीरियर इंटीरियर में इंटीरियर इंटीरियर यूज है। यहां पे वुडन फ्लोरिंग लग सकता है वहां पे जी। और इसके ऊपर कोटिंग जो करना है उसका क्या कॉस्टिंग होता है? कोटिंग तो आप कोई भी कोटिंग करवा लीजिए, बेस्ट में बेस्ट अगर वो आजकल जो वैटको वगैरह के ऑयल्स आते हैं वो आप लगा लीजिए, सबसे बेस्ट है। अमेज़न से आते हैं वो हर्बल भी है और हर चीज़ के लिए अच्छे। अगर आप विदाउट चप्पल्स वगैरह घर के अंदर चलते हो तो वो बेस्ट है, आपका दोनों काम हो जाएगा, पैर में पॉलिश मालिश भी हो जाएगी आपकी और वो बढ़िया हो जाएगा। आपका किधर शोरूम है स्पेसिफिक? सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नागपुर में सर। ओके, कार्ड घेत लेना तो? हाँ मैं कार्ड घेत लेना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पीवीडी का काम है, पीवीडी कोटिंग का काम है। ओके, इसमें कस्टमर लोग अपना मटेरियल देते हैं, प्रोडक्ट बनाकर देते हैं, उसके बाद जैसे ये प्रोडक्ट है हाँ। अपना तो इसको हम लोग कोटिंग करके उसको उनको देते हैं। तो मतलब मटेरियल ये आपका नहीं, फर्नीचर पीस आपका नहीं होगा? नहीं, तो सिर्फ कोटिंग आप? हाँ, अपना कोटिंग आपकी स्पेशलिटी है। हाँ, कोटिंग और का जॉब इसमें अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर हाँ, है। इसमें हम लोग चार कलर है हाँ। ये अपना हो गया चैम्पियन। ओके ओके, ये हो गया रोज गोल्ड। ओके, ये गोल्ड। ओके, और ब्लैक। और इसमें भी आपको ग्लॉसी या मैट जो हाँ, यस मैम, ग्लॉसी मैट। जैसे ये हमारा वो हैंडल लगा हुआ है उसमें हाँ, देख सकते हैं ये हमारा हैंडल है। ये हमारा मैट हो गया हाँ। ये ब्लैक का मैट हो गया, ये हमारा ब्लैक का ग्लॉसी। ओके, ये हो गया रोज गोल्ड का मैट, ये ग्लॉसी। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल साइज क्या है, उसकी हाइट ब्रेंथ क्या है, या छोटा या बड़ा, उस पर डिपेंड करता है। कोई भी फर्नीचर पीस है या पार्टीशंस है या हैंडल्स है, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर कोटिंग करने का जो काम है ये इनकी स्पेशलिटी है। डिफरेंट कोटिंग आपको इसमें मिल सकता है। यहाँ पर मिरर में भी किया हुआ, दिस ऑल्सो लुक्स नाइस। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखी सबसे पहले वो ये है कि यहाँ पर एक कॉलम के ऊपर आप देख सकते हैं कि मेटल स्ट्रिप्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं। पूरे कॉलम के ऊपर ही उन्होंने मेटल स्ट्रिप्स लगाए हैं, सो विथ स्टड्स और विदाउट स्टड्स, प्लेन विथ, आपको उसके ऊपर कुछ प्रिंट चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। अदर देन दिस भी यहाँ पर स्पेशल मटीरियल्स में, सरफेसेस में बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द कलेक्शन। वॉल पैनल्स हैं, एकॉस्टिक वॉल पैनल्स हाँ हाँ, वॉल हाईलाइटिंग के लिए, टीवी पैनलिंग के लिए, सीलिंग, हेडबोर्ड, बेड बैग्स सब में जरूरत है। अच्छा, ये एक्चुअली काफी पीयू फॉर्म है ये हाँ, ये बेड बैग के लिए यूज कर सकते हैं। ये बेड बैग के लिए, हेडबोर्ड के लिए भी यूज होता है, सीलिंग में भी यूज होता है। और ये एक्चुअली इसमें साइज क्या मिलती है? कस्टमाइज नहीं, सबसे स्टैंडर्ड साइज है। तो ये क्या साइज? मोस्ट ऑफ इसमें 8x2 और 2x2 ये साइजेस अवेलेबल है। तो ये एक पैनल है आपका 8x2 का एक पैनल है और ये 2x2 के पैनल है। ओके, और ये जो फैब्रिक्स है ये आप क्लीन कर सकते हो गीले कपड़े से। ओके, ये वॉशेबल है। और कॉस्टिंग कितना है इसका? कॉस्टिंग प्राइस ये 8000 के करीब पड़ता है 8x2 में। 8x2 का एक पैनल आपको 8000 में मिलेगा जो आपको स्टिक करना है जी। यस, ये आप रैक रफ वॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको प्लाई या आपको जैसा वॉल पेंट करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो प्लाई का पीछे बैकिंग नहीं रहेगा तो भी चलेगा, डायरेक्टली दीवार के ऊपर इसको स्टिक कर सकते हैं। सिलिकॉन से आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सेम चीज़ ये भी है हाँ, ये भी डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। ये 1500 के कॉस्ट में पड़ती है, 2x2 के साइज में हाँ। ओके, बाकी वो वाले ऑप्शन देख लेते हैं। पिंक वाला कुछ है हाँ, दिस इज प्रिटी, उसी में ही 9 फीट के है वो, 8 फीट में, तो ये 9 फीट में, 9 फुट बाई 2 फुट। यस, 2 फुट नहीं आएगा ये, 20 इंचेस अब है। हर एक इसमें आपको 4 से 5 कलर का ऑप्शन भी मिलता है उसमें। फिर ये भी एक प्रोडक्ट है कि जो अपना अगर कोई पिलर राउंड पिलर है उसको अगर राउंडिंग करना है तो ये बेटर ऑप्शन है। तो ये टर्न होता है, ये टर्न होता है। बाकी पेस्टिंग का ऑप्शन सेम रहेगा सब में हाँ हाँ। कॉस्टिंग वाइज ये भी 7000 के। ये भी WPC शीट ही है? नहीं, WPC नहीं, ये PU फॉर्म है। ये PU फॉर्म हाँ, एकॉस्टिक PU फॉर्म।
अकोस्टिक पीयू फोम, ये भी वॉल हाइलाइटिंग के लिए पैनल्स है। हाँ ये भी पीयू फोम है। ये भी आप डायरेक्ट वॉल पे भी हाइलाइट कर सकते हो या वैकिंग के लिए आप प्लाई भी यूज कर सकते हो। अच्छा, और इसकी साइज, इसका साइज भी 8x2 ही आता है। 8x2 की साइज में इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, इसमें भी कुशन मटेरियल होता है और एक लेदर मटेरियल होता है। अच्छा, और इसको आपको वैक्यूम क्लीनिंग करना पड़ेगा। हाँ, ये भी ये लैमिनेट्स है, लेजर लैमिनेट्स बोलते हैं इसको। ये न्यू लॉन्च हुए हैं फिलहाल, काफ़ी इससे चल रहे हैं। इसी में ये काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, ये है, ये है, इसके अलावा ये है लेदर लैमिनेट्स। अच्छा, जैसे अपने रेगुलर लैमिनेट्स होते हैं डिजिटल लैमिनेट्स होते हैं, वैसे ये लेदर लैमिनेट्स हैं। ये 8x4 के साइज में आएंगे, इसमें भी वही है, इसमें डाई वैक्यूम करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये कॉर्क टाइप में है, 50 अबाउट वैरायटीज है। ओके, हमारा एकदम गोरेगांव में ही शोरूम है, हम यहाँ से ही पूरा ऑल ओवर इंडिया डिस्पैच होता है यहाँ से ही। जैसे हम लूवर्स होते हैं MDF में, चारकोल लूवर्स होते हैं, वैसे ये PVC लूवर्स न्यू लॉन्च हो रहे हैं। ओह, सो दिस इज हॉलो, 8x2 साइज में आने वाले हैं। इसमें कुशन फैब्रिक जूट ऐसे ये टाइप में फिनिश मिलेंगे आपको। मतलब ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, तो इसका ऑर्डर प्लेस करने के बाद वक्त कितना लगेगा इसका? हम लोग स्टॉक आने के बाद ही मार्केट में शो करेंगे मेन तो, और अगर अगर प्रोडक्ट्स मतलब स्टॉक कम होता है तो आपको एक 1 मंथ का हम टाइमिंग देते हैं, 1 मंथ के अंदर आपको ये अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। नीचे भी ट्रैक लगेगा और ऊपर भी लगेगा, कंसीडर कर सकते हैं। नीचे फ्लोर में जाएगा, फ्लोर में जाएगा, फ्लोर में जाएगा। वो फर्स्ट वाला जो क्या है, वो स्लाइडिंग और ओपनेबल दोनों है क्या? हाँ। वो दिखा देंगे एक बार। और इस पे कितना स्पैन में लगा सकते हैं? चार पाँच स्पैन में लगा सकते हैं। बट ओपनिंग कितना कवर हो सकता है? 800x2.9 फीट का होगा, मतलब 3 फीट x 9 फीट का एक पैनल हो सकता है। 3 फीट x 9 फीट का एक पैनल हो सकता है, काफ़ी बड़ा होगा। इसका कॉस्टिंग कैसे होता है पर स्क्वायर फीट? 2000 से स्टार्ट होगा, 2000 पर स्क्वायर फीट। उसमें आपका सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ, इंस्टॉलेशन आ गया, सिर्फ आपका ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा रहेगा। यस यस यस, वी फॉलो यू। ओह रियली? माय वाइफ, ओह माय गॉड, सो आई रिमेंबर बिकॉज़ व्हेन यू आर टेक यू हैव अ होल एंटायर जॉब। नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। सो दीस आर स्पेशल प्रोडक्ट्स, ओके, फॉर इंटीरियर्स। यू सी is like very slim entire glass. हाँ, for वो भी काफी interesting लगा actually मुझे first time. ये आप 4 meter तक जा सकते हो, more than that. And you see this one. This is a
यू कैन यूज इन योर बैल्कनी. ओह दिस इज हाफ, ऐसे डिवाइड करना आपको तो. ओह नाइस. एंड यू कैन क्लीन दिस ग्लास रेलिंग बाय टिल्टिंग इट इनसाइड. ओह चेक दिस. ओके एंड देन यू कैन यूज एज अ रूम डिवाइडर. हां हमें चाहिए एक्चुअली प्रोजेक्ट के बाद कि जैसा राइट. सॉफ्ट क्लोजिंग है ना. ओके लगा होगा. ऑलमोस्ट यहाँ पे सब क्लोजिंग टाइम हो चुका है और हम सब कुछ नहीं देख पाए. काफ़ी थोड़ा सा हिस्सा है जो हमने देखा है और वीडियो क्रिस्प रखने के लिए उस पर भी थोड़ा सा हिस्सा है जो हमने वीडियो में रखा है. पर जैसे मैंने इनिशियली इंट्रोडक्शन में कहा था, अगर आप खुद के घर का रिनोवेशन करने वाले हैं, ऑफिस का करने वाले हैं, या आप एक इंटीरियर डिज़ाइन प्रोफेशनल है, आर्किटेक्ट हैं, तो भी ये आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए. एस्टेक जैसे इंडेक्स, पीकोड, काफ़ी सारे एग्जीबिशन होते हैं जिसमें नए नए मटीरियल्स मिलना, नए नए मटीरियल्स आप देख सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स देख सकते हैं. तो डेफिनेटली विजिट कीजिए. और दो दिन है और हमेशा के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो कोविड के वजह से एक ही हॉल है जिसमें सारे मटेरियल डिस्प्लेड है, मल्टीपल हॉल्स नहीं है हमेशा जैसे. तो आप आएंगे तो एक दिन में आपका सब कुछ देख के हो जाएगा. सो डेफिनेटली विजिट कीजिए. मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर. तब तक के लिए बाय.